मॉर्निंग जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 9 और यहाँ हमने भगवान की पूजा कर ली है। काफ़ी लेट हो गया है, अभी दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ गेहूं की सफाई जोर शोर में चालू है, फटाफट लगे हुए हैं दोनों सास बहू। कितना बोरा साफ थी गया? बाकी तो अच्छा, दो बचे हैं, बाकी तो सब कर लिया ऑलमोस्ट। नहीं करके नहीं करेंगे करके बोला था कल नहीं करेंगे। हाँ, दो बात के कर लिया, वही कल कर लिया है ना, कल दो कर दिया। एक सुबह मैंने चल के एक कर दिया, अभी एक दो सुबह मैंने नाश्ता करके एक बोल साफ कर दिया। मिस्त्री सो रही है, एक्चुअली हुआ क्या है कि पहले पापा रुकने वाले थे, पर पापा को आ गया थोड़ा कुछ काम, तो अब मैं यहाँ पर रुका हूँ। ये लोग क्या गेहूँ साफ करेंगे तो मिस्त्री को देखना पड़ता है, किसी ना किसी को तो रुकना ही पड़ता है पीछे। और यहाँ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, रेडी? ओके, यस रेडी। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। केम थी अवे बताओ? बराबर मजा आ रही है, सर्दी में गरम 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 मजा आ रही है। हमने तो एमने कई गर्मी थाई रही, नाही ने आवी रहा तो ये पाछो एवं नाया वगर जेवा थाई रही। चालू थई गई है गर्मी, बहुत गर्मी तो बहुत जोर में पड़ रही है। आप बताइए आपके वहां पर कैसी गर्मी पड़ रही है? मिश्री तो अभी सो रही है, फिर करेंगे कंटिन्यू। देखो फ्रेंड्स, कपड़े भी बदल दिए मैंने, अब पूरा काम कराएंगे मेरे से। घर पर रुके हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आराम करूंगा मैं। ये देखो पसीने से लथपथ आरती हमारी। पसीना नहीं है, एलर्जी हो गई है हमारी मैडम को गेहूं से। नहीं दिख रहा होगा इसमें, शायद बस वैसे स्किन में कुछ इचिंग हो रहा है। स्किन में थोड़ी एलर्जी हो गई है गेहूं में जो पाउडर रहता है ना उससे। मेरे को भी एक्चुअली एलर्जी है, मेरे को क्या है कि छींक ज़्यादा आती है, मेरे को सर्दी हो जाती है, बहुत छींक आती है गेहूं के पाउडर से। गुड मॉर्निंग मिसी, मिसू गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, उठी गई है ना? क्या मूंग नहीं आते मिसू है? तो देखो फ्रेंड्स, जिस काम के लिए मुझे यहाँ रुकना था वो काम मस्त चालू है। मिस्त्री अपने टॉयज के साथ खेल रही है, पूरे टॉयज को इधर सजा दिया है। और अभी समय हो रहे हैं 10:30। हाँ मिस्सी, डैडी, हाँ डैडी, हाँ खोलो इन्हें, खोलो खोलो इन्हें, एक 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 खोलो। पूरे टॉयस इधर उधर बिखरे हैं पूरे घर में, पूरा घर बोले तो ये लिविंग एरिया में, वहाँ दूर दूर तक उधर भी। वो घर में गेहूं की सफाई जोर शोर में चालू है, एक या दो घंटे में पूरा हो जाएगा। अभी मिसी त्या हुई जा, ओ उसी काम हुई जा, निन्नी करो, केम कराए निन्नी, केम कराए, अच्छे से खेल रही है, ज्यादा तंग तो नहीं कर रही है, पर एक जगह नहीं ठहरती। बच्चे हैं, बच्चे का तो मजा नहीं आता एक जगह, उनको तो इधर उधर जाना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, एक्टिविटी रुकनी नहीं चाहिए बॉस। देखो बाहर जाएगी, समय हो रहा है 12:45। यहाँ हमारा हो गया लंच का टाइम, दादा ने ऑलरेडी अभी खाना खा लिया है। दादा खाना खा के गए सामने आराम करने, और मिश्री को सुलाने गई है जिया, और अभी हम तीनों यहाँ पर खाना खा लेंगे। आज खाने में है दाल चावल। दाल चावल कितनी थक गई है गेहूं।
कभी वो पूरा साफ कर दिया पूरा। किसने बोला था पूरा आज ही करने का? हाँ उसने उसने मम्मी बोल रहे थे 2 बज के कल करेंगे। बोला कल मल क्या करना आज ही करके खत्म करो। एक ही दिन में नहीं करना ना इतना काम। खाली नहीं गेहूं साफ करने का ही रहता ना पूरा वो कमरा साफ करा वो देख सामने बोरी सब धो के रख दी दिख रही है। हाँ वो धोया सब पूरा और धोना पड़ता तो अभी तो 12:30 बज रहे ना। गर्मी भी जोरदार हो रही है। हो गया ना सुबह सुबह हो जाता अच्छा रहता। हमें कमेंट करके बताइए कि आपके वहाँ पर कैसी गर्मी पड़ रही है। यहाँ तो बहुत पड़ रही है हैदराबाद में। बहुत है 39 जैसा पहुंच गया है। अप्रैल में ज्यादा है अप्रैल महीने के हिसाब से मतलब कि हमारे यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं रहती थी। ये साल थोड़ी ज्यादा पड़ रही है। हर साल बढ़ती जा रही है। वो तो बढ़ना ये सवाल ही नहीं है। बढ़ेगी ना गर्मी है तो गर्मी तो रहेगी। चलिए खाना खा लो मैं फटाफट देखो रेडी कर। आरती का स्टाइल देखो खाने का रोटी पूरा ऐसा करके दाल में डाल के प्याज डाल के ऐसे खाती है। वो दादी को हम ऐसे खिलाते थे इसलिए मैं भी फिर सीख गई। दादी की याद आ गई। दादी को ऐसे कर करके खिला के मैं भी सीख गई। भाई नहीं खिलाते थे खिलाते थे। दादी का वारसा मैंने लिया है। ले ले ले। चलिए गाइस हम ठीक है फ्रेंड्स अभी हम लोग खाना खा लेते हैं। आरती से तो रहा नहीं जा रहा बहुत भूख लगी है इसको। मैंने रात पी ली थी। अच्छा ऐसा है क्या? दो कटोरी रात पी ली थी मैंने और इसने इसलिए इतना भी भूख जा। एक्चुअली इन लोग का काम क्यों हो गया मालूम है? मैं यहाँ पर था ना मिस्त्री को मैंने कितने 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक कंटिन्यू रखा। इन लोग को याद भी नहीं किया मम्मी को दादी को किसी को भी है ना। वो अभी छोटी है ना इसलिए वो गेहूं सबको उड़ाना है इसे। तो फिर मिलेंगे आपको बाद में हम अभी खाना खा लेते हैं। तो गाइज अभी बज रहे हैं 7:00 और मम्मी जी यहाँ पे कर रहे हैं भगवान की पूजा। आज 11 थी। देखिए हमारे कान्हा जी को हमने पहनाए हैं गर्मी के कपड़े। बहुत गर्मी हमको भी लग रही है ना। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में। देखो हमारा किचन का रास्ता ना वन वे है। तो अगर सामने से कोई आ जाए तो हमें ऐसे एक साइड हो जाना पड़ता है। और देखो मेरे गालों में थोड़ा थोड़ा कम हो गया है एलर्जी। अभी पहले से बेटर हो गया है। और चलिए मिलते हैं जिया से। हाय ज्योडिस। हाय गुड इवनिंग। सब्जियों के साथ क्या कर रही है? देखो बोलते हैं ना सब लोग ऐसे बोलते हैं कि एक घर में रहते हैं लोग चाहे बहने हो सगी या फिर देरानी जेठानी हो या सास बहू पर सबका अलग अलग काम करने का तरीका रहता है। यहाँ पे इजिया का तरीका है। किचन के इतने से छोटे से ओटे में रख देती और मुझे ना वो सारा इधर 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 लगता है। और जी इधर से डायरेक्ट फ्रिज में। भाभी को घूमना पसंद है। बोलते कि मेरा पेट ज्यादा हो रहा तो फिरते रहते हैं सब्जियों के साथ इधर उधर। ये देखो पूरा ओटा ऐसे भरा पड़ा है ना तो इसको कैसे मजा आती है। मुझे तो मजा ही नहीं आती। मजा आती है ऐसे? हाँ ऐसे लगता है कि बहुत काम कर रहे हैं। तो हम ऐसे ऐसे हमारा टाइम वो टाइम पास ही करते हैं। हम कहाँ गए मम्मी जी हमारे मम्मी। और आज घर में साहेब रुके थे तो अभी उसके फ्रेंड आए हरदा से तो उनको मिलने चले गए। क्या बोल रहे हो पूरे दिन दिखे नहीं आप? मेरे को नहीं फ्रेंड्स को। तो गाइस जैसे कि हमने बताया था और आज हमारे घर आए हैं हमारे साहेब के बेस्ट फ्रेंड जो के हरदा से है। हमनेच करावियो तो। हाय हेलो इशू दाम रही थी बीचो क्लास दे साथ। ओए रो बीचो क्लास कौन आया है साहब? हरदा से आए अपने भाई छोटे। छोटे भाई देखिए मिलिए हमारे बड़े भैया से। मेरे बड़े भैया हैं वो क्योंकि बड़े दिखते इसलिए पूछ वाले जैसे कृष्णा केंचो बस मजा मजा। आप थोड़े अच्छे लग रहे हो अभी।
मम्मी मम्मी को पूछते मम्मी कौन है ये मेहुल के बेस्ट फ्रेंड थे ऐसा मैं सुन रही हूँ, पर अभी वो गुम हो गए, ना फोन है ना मैसेज है ना कुछ है। टाइम हो रहा है रात के 8:30 और यहाँ सब है डिनर करने बैठ गए। देखो श्री शु बनाई आज डिनर में, आज पोहा केम आवाज करो रे मिसुड़ी। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं। आज हो गया है मैं थोड़ा लेट, अभी बज रहे हैं 12:00। आज हमें लेट हो गया है क्योंकि मेरा जो छोटा भाई आया था उसके साथ हम लोग गए थे आइसक्रीम खाने, और अभी हमें क्या एडिटिंग भी करना है, इसलिए फटाफट अभी हम लोग एंड कर देते हैं। मिलेंगे आपको कल ब्लॉग में। गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।